हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट द 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 32nd वीक में किस तरीके से आपका बेबी का डेवलपमेंट होता है, मैटरनल बॉडी में किस तरीके के चेंजेस होते हैं, एक माँ को किस तरीके की परेशानियां हो सकती है, चलिए जानते हैं इस बारे में। 32 वीक्स के आसपास आपका बेबी ऑलमोस्ट 16.7 इंचेस लंबा हो चुका होता है और आपके बेबी के सारे डेवलपमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं। लंग्स का मैच्योरेशन थोड़ा बाकी रहता है और बेबी का वेट गेन होना बाकी रहता है इन अ मेजर वे। सिंगलटन प्रेगनेंसी है अगर आपकी तो फिर अभी शायद कोई भी अल्ट्रासाउंड स्कैन आपका शेड्यूल ना हो, लेकिन इन केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है कि आप मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी तरीके से डॉक्टर करने लगे, खासकर अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन हो कुछ प्रेगनेंसी में, या फिर आपके एक बेबी का ब्लड सप्लाई कुछ कम सा हो रहा हो, या फिर इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया हो। ऐसे में रेगुलरली अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं हर हफ्ते, तो हो सकता है इस हफ्ते भी आपका कोई स्कैन शेड्यूल हो। 32nd वीक पहुंचते आपके बेबी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और अगर ट्विंस है फिर तो मैं क्या कहूँ, जो अपवर्ड प्रेशर होता है ऑन द स्टमक वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से जो भी एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न की समस्या होती है एक महिला को, वो बहुत ज़्यादा रहती है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी काफ़ी कॉमन हो जाते हैं अब। इनके बारे में तो मैं पिछले कई वीडियोस से इन द वीक बाय वीक प्रेगनेंसी सीरीज में बातें कर रही हूँ। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस यानी प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस में पेन नहीं होता, बट एक स्टमक टाइटनिंग सा फील होता है और इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो से इस बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि अब आपको ये पता होना चाहिए कि फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस क्या है और ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस क्या है। खासकर अगर आप एक ऐसी मॉम हैं जो ट्विंस या ट्रिपलेट्स कैरी कर रही हैं, फिर आपके लिए प्री टर्म लेबर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे में हो सकता है 32 to 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। सो इस बारे में खुद को अच्छे से अवगत करवाइए। गर्भावस्था में हो रहे शारीरिक बदलाव की वजह से एक महिला को जो भी असुविधाएं महसूस होती हैं, उनमें से सबसे पहला तो है हार्टबर्न, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है सांस फूलना, ये भी इसीलिए होता है क्योंकि डायफ्राम पे बहुत ज़्यादा अपवर्ड प्रेशर पड़ता है तो लंग्स बहुत अच्छे से इन्फ्लेट नहीं हो पाते। तीसरी बात है कि एक महिला को बहुत सारे पेन से एक्स हो सकते हैं, जिसमें से बहुत आम सी बात है पीठ में दर्द होना या फिर कमर में दर्द होना। इसके अलावा उनके स्तनों का आकार भी बढ़ रहा होता है, एरियोला का जो कलर है वो भी ज़्यादा डार्क होता जाता है और हो सकता है उनके स्तनों से कुछ येल्लो कलर का डिस्चार्ज भी हो। ये सब कुछ काफ़ी आम बात है। इसके अलावा हो सकता है एक महिला का वजाइनल डिस्चार्ज भी ज़्यादा हो रहा हो, ये डिलीवरी के लिए एक प्रिपरेशन की तरह होता है, लेकिन यहाँ एक महिला को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि म्यूकस प्लग का निकलना या फिर पानी की थैली का फटना, ये दो बातें क्या होती है इस बारे में वो खुद को एजुकेट करें। अपने OBG डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं या फिर इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन सेक्शन, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने डिटेल डिस्कशन की हुई है, किस तरीके से आपको पता चलता है कि लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, वो संकेत क्या है, ये सारे टॉपिक्स पे एक ओरिएंटेशन बनाइए ताकि जैसे ही आपको ऐसा कुछ फील हो आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में आ पाए। 32 से 34 वीक्स के बीच कुछ महिलाओं के लिए हो सकता है कि बेबी अब नीचे की ओर आ जाए, जिसे ड्रॉपिंग कहा जाता है, बेबी ड्रॉपिंग, और ये भी एक प्रोसीजर है टुवर्ड्स डिलीवरी। ऐसे में क्या होता है, उस महिला का सांस फूलने की जो असुविधा हो रही थी उनको, वो नहीं रहता अब, बिकॉज बेबी नीचे की ओर चला जाता है और उनको अपने बेबी बम्प में भी एक बेबी बम्प का हाई से लो होने का जो फील है वो मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर महिला के लिए ऐसा हो, बहुत महिलाओं के लिए ऐसा भी होता है कि बेबी ड्रॉपिंग लेबर के बिल्कुल करीब आने के बाद ही होता है या लेबर के दौरान होता है। सो प्रेगनेंसी की इस लास्ट स्टेज में सबसे ज़्यादा परेशानी जो मुझे हुई थी वो थी रिलेटेड टू हार्टबर्न। इससे बचने के लिए छोटे छोटे मील्स ले, न्यूट्रिशियस मील्स ले, ज़्यादा ग्रीजी, ऑयली, तीखा, मसालेदार इस तरीके का खाना ना खाए।
रात को डिनर सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर कर ले, और अगर आपको सोने में असुविधा हो रही हो बिकॉज ऑफ दिस हार्ट बर्न या फिर एसिड रिफ्लक्स, फिर खुद को थोड़ा प्रॉपर पोजीशन में रखें, किसी रिक्लाइनर या फिर सोफे पे भी आप सो सकती हैं, थोड़ा सा रिक्लाइन अप होकर, या फिर बेड पे कुछ पिलो की मदद से थोड़ा प्रॉपर पोजीशन में भी आप सो सकती हैं। इस दौरान अपने पोस्चर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में रहेंगी इससे आपके लंग्स और भी ज़्यादा क्रैम्प हो जाएंगे। ऑलरेडी डायफ्राम का ऊपर पुश होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द बेबीज ग्रोइंग स्टेटस, आपको सांस फूलने की असुविधा हो रही होती है, उसमें अगर आपका पोस्चर भी सही नहीं होगा तो इट विल एड ऑन टू दैट प्रॉब्लम। दूसरी बात है, पोस्चर सही रखने से आपको बैक पेन या दूसरे किसी भी तरीके के पेन्स एंड एक्स से बचने में भी, या फिर उन पेन्स एंड एक्स को कम करने में भी काफ़ी सुविधा रहेगी। इसके अलावा अगर वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा हो तो आप पेंटी लाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ब्रेस्ट से येलोइश कलर का कोई डिस्चार्ज हो रहा हो तो आप मैटर्निटी नर्सिंग पैड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अपने आप को एम्बेरेसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। इस दौरान शॉर्ट वॉक्स या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी ज़रूरी है, खुद को ना थकाएं लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहे। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे और अच्छा खाना खाए, रेस्ट करें और बस अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार करें। इसी तरीके से 33rd वीक में क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काइंडली मेरे चैनल के कंटेंट्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।